Hello, 6th standard students, how are you all? This drawing lecture today, take out your yellow sketchbook. Yellow sketchbook nikal. आज हम सीखेंगे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम. M O N O C H R O M A T I C मोनोक्रोमेटिक कलर C O L O U R कलर स्कीम S C H E M E स्कीम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम. ओपन योर बुक इन योर इंडेक्स पेज 1 से 13. डेट लिखेंगे 3.4.21 आज की तारीख 3.4.21 एंड टाइटल मीन्स टॉपिक इज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम M O N O C H R O M A T I C मोनोक्रोमेटिक C O L O U R कलर S C H E M E स्कीम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम. ओके, चलो इससे पहले हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स किया था, ये वाला. अब आज ये राइट साइड पर ड्रॉ करते, आड़ी खड़ी लाइन ड्रॉ करो. आज की डेट डालेंगे यहाँ पर 3.4.21. फिर से टॉपिक लिखेंगे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम. ओके, अब इस तरह से रो में 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर आना चाहिए, 7, और खड़े में 5, हर एक में 5, 1 2 3 4 5. आड़े में इस तरह से 7 स्क्वायर्स आने चाहिए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, और सीधा ये खड़े में 5 बॉक्सेस आने चाहिए. ओके, यानी 7 5 35. गो गो. ओके, अब बीच वाले स्क्वायर को थोड़ा छोटा स्क्वायर बनाना. इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर लिया था मैंने, फिर रब करके फिर ह्यू बना लिया. ये अलग ह्यू है, अलग अलग ह्यू है, यानी कि कलर है. पहले चाहे तो आप पर्पल कलर ले लीजिए, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, फिर ब्लू. बीच में बीच वाला स्क्वायर थोड़ा इस टाइप का रख दो, तो पता चले कि भाई ये असल कलर कौन सा है. अब कोई भी 5 कलर ले सकते हो अलग अलग. ये मैंने पर्पल, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू लिया. अब मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या है? कोई भी कलर में थोड़ा वाइट मिक्स करो तो उस वो कलर का थोड़ा थोड़ा लाइटनेस आएगा, बराबर लाइट बन गया. और थोड़ा वाइट उसी में मिक्स करोगे तो और लाइट बनेगा, और वाइट मिक्स करो और बिल्कुल लाइट बन जाएगा. तो ये मतलब उस मेन कलर का, मेन कलर के टिंट्स बने, वो जो लाइट बनते जाना. वाइट कलर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाना, तो जो हमें लाइट कलर्स मिलते हैं वो असल कलर के टिंट्स बने. वो ये कहना था टिंट्स और शेड्स, वो मैं समझा रहा हूँ. तो उस ब्लू के वो टिंट्स बने. वाइट कलर मिक्स करते जाने पर असल कलर के वो टिंट्स बनते, जबकि उस मेन कलर में थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक मिक्स करते जाओगे तो उस कलर के शेड्स बनेंगे, डार्क बनेगा, डार्क शेड्स बनेंगे, बराबर. तो टिंट्स और शेड वो समझा रहा हूँ मैं आपको. तो ये है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम. इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, फिर बीच में बराबर बीच में कुछ 5 कलर्स लेने. अब इसके बाद चलो, ये पहले ये कलर देखिए हम. Oh.
मैंने वाइट मिक्स किया पर्पल कलर में, देखिए उस पर्पल कलर का ये टिंट बना। थोड़ा सा वाइट मिक्स किया तो और वाइट मिक्स करूँगा तो और लाइट बनेगा ये कलर। मैंने साइड पर वाइट कलर रखा था, मिक्स कर लिया था। ब्लेड जो देखो तो चालू करा वीडियो। और लाइट बना ये कलर। और थोड़ा वाइट मिक्स करता हूँ मैं। और लाइट बन गई, ठीक है। तो ये इस कलर के टिंट्स बनते गए, जितने भी और लाइट है कलर वो टिंट। अब उस मेन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर अगर मैं मिक्स करूँ तो
लंबा बन जाएगा इस तरह से। डार्क शेड मिला है, और थोड़ा ब्लैक मिक्स किया मैंने। डार्क मीना शेड और ब्लैक मिक्स करके मैंने इसी कलर में और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया और डार्क बनेगा। तो ये सारे इस मेन कलर के इस जो कलर बनते जा रहे हैं वो इस उस कलर मेन कलर के शेड्स बने ही हूँ। तो टिंट्स और शेड क्या किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। इस मेन कलर के टिंट्स बनते गए वाइट डाल और थोड़ा थोड़ा करके जल्दी इस तरह से टिंट्स बनते गए। और इसमें मेन कलर में थोड़ा थोड़ा ब्लैक मिक्स करते जाने पर इसके डार्क शेड्स मिले हमें, तो इसे कहते हैं टिंट्स, इसे कहते हैं शेड्स। तो अब ग्रीन कलर में ऐसे यहाँ पे टिंट्स बनाने हैं, ग्रीन के टिंट्स और यहाँ पे शेड्स, वैसे रेड येलो और ब्लू, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट करके बताना है, इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। ओके चिल्ड्रन, बाय।